तो क्या वीडियो शुरू करने पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर को एक सेकंड या एक मिनट के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर तीन धमाकेदार इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी मोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइब होने वाले हैं। तो अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बिग इन्फॉर्मेशन देता हूँ बॉलीवुड के हीरो टाइगर श्रॉफ के बारे में। आप सभी को बता दूँ, उनको जो जिम के ट्रेनिंग देते थे, आप सभी को पता है कि टाइगर श्रॉफ की बॉडी कैसी है, आप सभी को दिख ही रहेंगी, मतलब एकदम स्टील की बॉडी है। तो गाइस इसके पीछे जो उनको ट्रेनिंग देते थे, आज उनका निधन हो गया, आज उनका इंतकाल हो गया, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो गाइस सबसे बड़ी बैड इन्फॉर्मेशन थी। तो आप सभी से छोटी मोटी रिक्वेस्ट करूँगा, आप उनके परिवार के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। तो गाइस थी पहली इन्फॉर्मेशन आप सभी को। दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में। तो अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो फिर से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी बैड इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, क्योंकि आज भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल नहीं मिली है। हालांकि आज उनके वकील ने बहुत सारी कोशिश की और कोर्ट के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी कि उनके पास कोई ड्रग्स वगैरह या भी मतलब जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया वो साबित नहीं हुआ, फिर भी उनको बेल क्यों नहीं दे रहे। तो क्या इस पर कोर्ट ने डायरेक्ट उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया, उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब जो मौका है उनको, आखिरी मौका वो कल का है। अगर कल उनको बेल मिली तो ठीक, नहीं तो फिर और वो लंबे में चल जाएंगे, मतलब उनको कुछ दिन के लिए और मतलब जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन जो भी शाहरुख खान के फैन है उनकी बात समझ भी नहीं आ रही है कि बिना कोई ठोस सबूत के, बिना कोई बड़े सबूत के इतनी तक कि उनको जेल में क्यों रखा जा रहा। क्या वो सिर्फ एक शाहरुख खान के लड़के हैं कि उनके साथ सियासत खेली जा रही है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस थी दूसरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को। तीसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मिस्टर फैजू के बारे में, क्योंकि आप सभी को बता दूँ जो शेफ ने एक फेस्टिवल रखा, फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पर कई सारे स्टार अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो गाइस उसको जो होस्ट करने वाले हैं वो मिस्टर फैजू एंड बॉलीवुड के दो बड़े स्टार उर्वशी एंड जाने माने बॉलीवुड के स्टार विवेक ओबरॉय। तो गाइस उसको बता दूँ मिस्टर फैजू को फिर से एक बड़ा चांस मिला है बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ काम करने का। तो अगर आपको पूरा शो देखना है, मतलब जब भी रिलीज होगा, अगर आपको पूरी इसकी अपडेट जानना है तो आप जोश एप के इंस्टाग्राम के हैंडल पर जा सकते हैं, आप सभी को वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो गाइस थी मेरी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। आखिरी में आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके सब्सक्राइब की वजह से मेरा सपना पूरा हो सकता है 1 मिलियन सब्सक्राइब का। तो अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं आता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।